येसु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। येसु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। येसु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। येसु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हो येसु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। तेरे पास आए हैं दुखी और बीमार जो तेरे पास आएंगे। दुखी और बीमार जो तेरे पास आएंगे दुखी और बीमार जो तेरे पास आएंगे। येसु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। तेरी आराधना सारे बंधन को तोड़ देती है। येसु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हो येसु तेरी Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Yesu aja, o aja, dil mein aja. Alleluia, 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 Alleluia. Bandhan todo, o todo, Yesu todo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Changa kar de, O Yesu, changa kar de. Alleluia, 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 Alleluia.
हालेलुया 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 येशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है येशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है गम की रस्सियों को एक दो पल में वो तोड़ देती है येशु तेरी तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है येशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है येशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Tere jai ho, o jai ho, Prabhu Yesu, Hallelujah, 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 Tu hi pavitra hai, Prabhu Yesu, Hallelujah, 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 Bandhan todo, Prabhu Yesu, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया 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 आजा येशु आजा मेरे घर में हालेलुया येशु आजा ओ आजा मेरे दिल में हालेलुया 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 Alleluia, 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 उद्धार करता येशु जी हालेलुया हालेलुया जीवन देता येशु जी हालेलुया हालेलुया जीवन देता येशु जी हालेलुया हालेलुया उद्धार करता येशु जी हालेलुया 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 स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हाथों को उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 यीशु हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे यीशु, मेरे स्वामी, मेरे यीशु, मेरे मालिक, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, मैं तेरा जय जयकार करता हूँ। हे प्यारे यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए हमारे बीच में परम पावन संस्कार के माध्यम से आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे यीशु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त हम लोग माता मरिया की एक विशिष्ट बात पर हम लोग विचार करेंगे। जब गैब्रियल दूत मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर मां मरियम के पास आया और कहने लगा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। और इस प्रकार से जब गैब्रियल दूत ने माता मरियम को मुक्ति विधान का पैगाम सुनाया, उस कुवारी को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सवाल किया, यह कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव है, मैं तो किसी को नहीं जानती, किसी पुरुष को नहीं जानती हूं। तब उनको बताया गया, सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो महान होंगे, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। जब माता मरियम को कुल मिलाकर इतना समझ में आया कि यह ईश्वर का संदेश है, परम पावन पिता परमेश्वर का संदेश है, तो उन्होंने बड़ी दीनता से, बड़ी विनम्रता से अपना सिर झुकाते हुए गैब्रियल दूत के माध्यम से ईश्वर से यही वादा किया, मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो, जैसे आप चाहें वैसे मेरे जीवन में होने के लिए मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूं, समर्पित करती हूं टोटली। और इस वादे को मां मरियम ने हर पल पल निभाया, वो भी जब परिस्थिति विपरीत थी तब भी उसको निभाया, कभी विचलित नहीं हुई, कभी पीछे नहीं हटी। और इन सभी बातों को माता मरियम ने अपने दिल में संजोए रखा, पवित्र बाइबल हमें बताता है। माता मरियम ने इन सारे संदेश को, ईश्वर के संदेश को अपने दिल में संजोए रखा। क्यों मां मरियम ने ईश्वर के संदेश को दिल में संजोए रखा? क्या उनके पास दिमाग नहीं था? इतना दिमाग था, वो जानती थी ईश्वर का संदेश यहां सिर्फ यहां नहीं रखा जाता है, बल्कि ईश्वर का संदेश यहां रखा जाता है, दिल में रखा जाता है। क्योंकि जो बातें हम अपने दिल में रखते हैं और दिल में संजोए रखते हैं, उन बातों को हम कभी नहीं भूल सकते। संत अगस्तीन बताते हैं, माता मरियम ने प्रभु यीशु को अपने खोक में धारण करने से पहले ही अपने दिल में धारण किया। यह जरूरी है, यह आवश्यक है, मुझे और आपको, हम सबों को, ईश्वर का वचन को हम अपने दिल में धारण करें, उस पर मनन चिंतन करते रहें। माता मरियम ने ईश्वर का वचन अपने दिल में ग्रहण किया, दिल में रखा, संजोए रखा, मनन चिंतन किया।
यीशु उनके कोख में आए, उनके माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति दाता इस दुनिया में आया। निष्कलंकर भागमन का पर्व को मनाने के इस संदर्भ में हम माता मरियम के इस एक गुण को हम सीखें। उन्होंने ईश्वर का वचन सुना, विश्वास किया, अपने दिल में संजोए रखा और उस वचन के अनुसार जीवन बिताने का हर पल पल प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुई। हम भी प्रयास करें ईश्वर का वचन सुनने के लिए, ईश्वर का वचन अपने दिल में रखने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए। अगर ऐसा करेंगे जिस प्रकार से मां मरियम ने समस्त संसार के सभी लोगों के लिए मुक्ति दाता अपने जीवन के उस त्याग तपस्या के द्वारा प्रस्तुत किया, मैं और आप आज लोगों को यीशु प्रस्तुत कर सकते हैं, लोगों को यीशु दे सकते हैं। आज के दिन में हर किसी व्यक्ति को यीशु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है। बड़े बड़े विकसित देशों में सारी सुविधाएं हैं, पैसे हैं, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, सुख सुविधा सब कुछ भरपूर मात्रा में है। अगर नहीं है तो यीशु नहीं है, यीशु का वचन नहीं है, यीशु के मूल्य और सिद्धांत नहीं है। ऐसे परिवेश में हम सबों को जरूरी है यीशु की। यीशु हमारे जीवन में आएंगे वचन के रूप में, संस्कार के रूप में यीशु आएंगे, जीवन आएगा, चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, मुक्ति आएगी, उद्धार होगा। यीशु के सिवा आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उसकी मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नाम दिया गया है और वो नाम है ईसा का नाम, और वो नाम है यीशु का नाम। इसलिए हम सभी लोगों के लिए यीशु की जरूरत है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का यही लक्ष्य, यही उद्देश्य, यही मकसद रहा कि वह खोए हुओं की खोज करे और जो गुमराह हुए हैं, गुमराह हो गए हैं, उनको सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ता बताएं और पश्चाताप करते हुए फिर एक बार उस सही रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु स्वयं कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूं। यह है ईश्वर का प्रेम, यह है ईश्वर का प्रेम जो हम सबों के प्रति हर पल में प्रकट किया गया, उद्घार किया गया है और हम सबों को अनुभव करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यूहन का सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करता है, उस प्रभु मसीह में विश्वास करता है, प्रभु मसीह को स्वीकार करता है, प्रभु मसीह के मूल्यों के सिद्धांतों को अपनाता है, जो कोई इस प्रकार का जीवन बिताता है और पाप में जीवन त्यागता है, प्रभु का जीवन अपनाता है, उसका उद्धार होगा, उसकी मुक्ति होगी। वो अनंत आग में नहीं जाएगा बल्कि स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन बिताने के लिए वह चुना जाएगा। यह है सुसमाचार। ईश्वर इस धरती पर मुझे और आपको बुलाने के लिए आया है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आज की संध्या बेला में हम सभी सौभाग्यशाली हैं, निष्कलंक मां के इस प्रांगण में इस वक्त परम पावन संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना में हम सभी बैठने के लिए चुने गए हैं। ये संदर्भ मौका यूं ही नहीं आया है, ये ईश्वर की योजना है।
ईश्वर की योजना के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जो भी हो रहा है ईश्वर की योजना के तहत हो रहा है। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज की संध्या बेला में हम सबों को प्रभु के इस पावन उपस्थिति में बैठने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु का भजन कीर्तन करने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए हम सबों को चुना है। और निश्चित रूप से प्रभु का ये कथन हम सबों के जीवन में सार्थक सिद्ध होगा, जहां प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरे नाम से किसी को एक गिलास पानी भर भी पिला दे, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। और आज हम सभी लोग इस वक्त अपने घरों में आराम कर सकते थे, अपने घरों में रह सकते थे, यहां पर बैठ के प्रभु के चरणों में बैठ कर प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु की तारीफ कर रहे हैं, प्रभु की भजन कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए प्रभु हम सबों को पुरस्कृत करेगा, पुरस्कार प्रदान करेगा, हम सबों को अनुग्रह प्रदान करेगा, हम सबों को आशीष प्रदान करेगा। प्रभु के सम, प्रभु के सानिध्य में बिताया हुआ एक पल भी व्यर्थ नहीं जाता है। जितना समय हम प्रभु के सानिध्य में इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा मात्रा में प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करता है। और प्रभु कहता है, जो प्रभु के चरणों में बैठता है, प्रभु कहता है उसने उत्तम बाग चुन लिया है। मार्ता और मरियम नामक दो बहनें थी। मार्ता बहुत सारे सेवा सत्कार के कार्यकलापों में व्यस्त थी, उसकी बहन मरियम प्रभु के चरणों में बैठी, प्रभु का वचन सुनती रही। और प्रभु ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा, मार्था, मरियम ने जो बाग चुन लिया है उत्तम बाग है, ये बाग उत्तम बाग है, या इसलिए ये बहुत ही सुंदर बात है, इसकी तारीफ की, यानी कि प्रभु के चरणों में जो बैठता है, प्रभु की बात सुनता है, प्रभु का वचन सुनता है, प्रभु ने स्वयं इस बात की तारीफ की। आज के इस संध्या बेला में हम सभी भाइयों बहनों सौभाग्यशाली हैं प्रभु के चरणों में बैठने के लिए। अगर हम अपने अंतकरण को जांच करके देखें, हम इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं कि उस पवित्र परमेश्वर के सानिध्य में हम आ सकें। हम सभी अयोग्य हैं, पापी हैं, दुर्बल हैं, न जाने कितने पाप हम लोग करते हैं दिन प्रतिदिन। उसके बावजूद अगर हम प्रभु के सानिध्य में आ पाए हैं, यह प्रभु की दया है, प्रभु का प्रेम है। प्रभु अपने प्रेम से हम सबों को निरंतर अपने पास बुलाता है। तो आज के इस संध्या बेला में इस वक्त प्रभु का वचन हमने जो सुना है, माता मरियम के बांते अपने दिल में संजोए रखें, इस पर मनन चिंतन करें। प्रभु का एक एक वचन जो हमारे अंदर, हमारे कानों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश किया है, हम सबों को जीवन देता है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है, वो हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है। प्रभु का जो वचन हमारे अंदर प्रवेश किया है, हमारे अंदर कार्य करेगा, हमारे अंदर कार्य करेगा, हमारी बीमारियां दूर करेगा, हमें शुद्ध करेगा। प्रभु ने स्वयं इस बात को कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 प्रसंग 3 में, जो वचन, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। आज के इस संध्या बेला में प्रभु का जो वचन हम सबों ने सुना है, प्रभु ने हम सबों को शुद्ध किया है, प्रभु ने हम सबों को अनुग्रहित किया है, हम सबों को आशीषों से भर दिया है। इसलिए उस प्रभु को हम सभी धन्यवाद दें। फिर एक बार खड़े हो जाइए, हम प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु का जय जयकार करें। पवित्र आत्मा हमें प्रभु की ओर ले चले। मेरा दिल, मेरा घर, ये सब प्रभु के लिए समर्पित हो जाए, इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। तेरा घर है
इस घर में आत्मा प्रभु यीशु याद कर, तूने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए, मुर्दों को चला जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, मैं आर्थिक रूप से परेशान हूं, मैं आर्थिक तंगी में हूं। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, तेरी एक नजर मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे सभी मित्रों पर पड़ जाए। हे प्रभु यीशु, हम पर दया करना, हम चंगे होना चाहते हैं प्रभु, हमें चंगा करना। हे प्रभु, हम पर अपनी दया प्रदर्शित करना, तेरे सामर्थ्य से हम भर जाएं। इस विशेष कृपा के लिए प्यारे भाई प्यारी बहन प्रार्थना करते जाना। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सामर्थ्य मौजूद हैं, इन पर दया कीजिए, इनके परिवारों पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे।
सुपुरपल्ली के लिए, यहाँ पर होने वाली तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए, जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, हे प्रभु उन सभी को तेरा दर्शन मिले, माँ मरियम तेरा दर्शन मिले, इनके लिए प्रार्थना करना। यहाँ के पुरोहितों को, धर्म बहनों को, लोक धर्मियों को समर्पित करते हैं। प्रभु इनके जीवन में तेरा प्रेम बढ़ता जाए, ये तेरे प्रति विश्वास में दृढ़ बनते जाएं। हे माँ मरियम इनके लिए प्रार्थना करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। प्रार्थना से प्यारे भाई, प्यारी बहन, लोग बंधनों से आजाद हो जाते हैं। प्रार्थना से पाप क्षमा हो जाते हैं। प्रार्थना स्वर्ग के द्वार को खोल देती है। प्रार्थना ऊपर जाती और आशीष लेकर नीचे आती है। इसलिए प्रार्थना की ताकत को हल्के में मत लेना, प्रभु के वचनों को हल्के में मत लेना। प्रभु कहता है, मेरे द्वारा कहा गया हर एक शब्द पूरा होगा, वो नहीं टलेगा, उसकी एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए प्रार्थना करते जाना। प्रार्थना ईश्वर से आपका संबंध जोड़ती है और रिश्ता मजबूत करती है। प्रार्थना करने से हमें उत्तर मिलता है। प्रार्थना करने से हमारा मार्गदर्शन प्रभु हमें करता है। प्रार्थना हमें सामर्थ्य देती है, प्रलोभनों से बचाती है, बुराई से बचाती है। प्रार्थना और उपवास बंधनों को तोड़ते हैं, शैतानी शक्तियों से लड़ने के लिए हमें प्यारे भाई, प्यारी बहन सामर्थ्य देते हैं। इसलिए प्रार्थना करने में कतई कंजूसी नहीं करना, प्रभु आपको आशीष देगा। इस वक्त अपने अपने निवेदन प्रभु के चरणों में रखते जाना। ये पवित्र समय है, क्योंकि ये मौका बहुत से लोग देखना चाहते थे लेकिन देख नहीं पाए, उन्हें ये मौका नहीं मिला। इसलिए प्रभु से कहना, प्रभु आंतरिक चंगाई मुझे प्रदान कर, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से हर प्रकार का बंधन टूट जाए। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से हम चंगे हो जाएं, हम उसके पवित्र लहू से धुल जाएं। दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाना और कहना कि प्रभु मुझे आंतरिक चंगाई प्रदान कर। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए, आकर के चंगा कर दीजिए। समर्पित कीजिए अपने सभी बीमार लोगों को, जो घरों परिवारों में बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, अस्पतालों में हैं, भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, रक्तस्राव की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, सफेद दागों की बीमारी, दुष्ट आत्माओं के बंधन, तंत्र मंत्र जादू टोना धागे ताबीजों के बंधनों में जो जकड़े हुए हैं, यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा ये सारा बंधन टूटे, लोगों के जीवन में चंगाई आए, लोगों के जीवन में शिफा आए और ये तमाम लोग परमेश्वर की हजूरी में आ जाएं और सारे बंधनों से आजाद हो जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपनी सरकार के लिए, सरकारी नुमाइंदों के लिए, शासन प्रशासन में जितने भी अधिकारी तैनात हैं, प्रभु इन तमाम लोगों को निस्वार्थ सेवा का वरदान देना। इन्हें तेरी प्रजा की रखवाली और उनकी अगुवाई करने का सामर्थ्य देना।
हे प्रभु यीशु, हमारे इस देश में जितने भी लोग रहते हैं सब तेरी कृपा को अनुभव करें। प्रभु इनके जीवन में प्रेम विश्वास बढ़ता जाए, एक दूसरे को सहन करना सीखें, एक दूसरे को क्षमा करना सीखें, एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आ करके चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आ करके चंगा कर दीजिए। जितने भी लोगों के काम नहीं बनते, आखिरी क्षणों में वे लोग असफल रहते हैं, प्रियजनों इन्हें समर्पित करना। आज दुनिया के पास, लोगों के पास सब कुछ है, शायद प्रभु यीशु नहीं, उसका वचन नहीं है। उसका वचन प्यारे भाई प्यारी बहन जीवन देता है, उसके वचन में सामर्थ्य है, उसका वचन बंधनों को तोड़ता है, उसकी वाणी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना वापस नहीं लौटती है, क्योंकि उसने शब्द मात्र से पूरी दुनिया को बनाया, सूरज चांद तारे पृथ्वी और ग्रह। प्यारे भाइयों और बहनों, उसने सजाए, उसने बनाए, इसलिए हमें जीवन ग्रहों से नहीं मिलता है, हमें जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करना। आज आपके जीवन में वो आशीष प्रदान करेगा, वो आशीष यहाँ पर ठहरी है, वो आशीष यहाँ पर उतरी है, उसकी रूह का मस्सा इस वक्त यहाँ पर छाया हुआ है। हम सभी पुरोहित मिलकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वक्त प्रभु यीशु आप लोगों को स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। यदि कोई बीमार है, आपके शरीर में कहीं भी कमी घटी है, रसौली है, पथरी है, शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, विश्वास करना और अपना हाथ उस जगह पर रखना, प्रभु आपको स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। इस वक्त जिसके शरीर की नसें ब्लॉक है, जो चल फिर नहीं सकता, लकवे से पीड़ित है, यीशु मसीह आप लोगों को आपके पापों से, हर गुनाह से आपको आजाद करे। आपके परिवार में शांति आ जाए, पति पत्नी का जीवन अच्छा हो जाए, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रभु की आशीष उतरे, इनके बच्चों के जीवन में आशीष उतरे, इनके बच्चों के जीवन में उन्नति आए। जो नौकरियों की तलाश में है प्रभु, इनके लिए नौकरी की प्रबंध करना। हे प्रभु यीशु, इनके खेत खलियानों, इनके दफ्तरों पर, इनकी खेती बाड़ी, इनके कामकाज के ऊपर, इनके व्यवसाय के ऊपर तेरी रूह का मसा छाया रहे और तेरी तंदुरुस्ती, तेरा जलाल इनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। सारे बंधन टूटे, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से रूह की आग उतरे, रूह की आग उतरे, आसमान खुल जाए, खुल जाए। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु का पवित्र लहू आप लोगों पर छिड़क देता हूँ, उसका पवित्र सामर्थ्य आपके जीवन में उतरे और आपको अपने अधिकार मिले। आपके परिवार से, हर प्रकार के बंधनों से प्रभु यीशु आपको आजाद करे। स्वर्गदूत आपके घरों पर पहरा दें, आपके घर के प्रांगण में पावन क्रूस लग जाएं और उसका आत्मा आप लोगों को शिफा सामर्थ्य प्रदान करे। घुटना टेकेंगे इस वक्त, दोनों हाथों को उठाएंगे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने इस पवित्र संध्या वंदना के दौरान अपने भक्तों को आशीष प्रदान की। अब जो ये तेरे सामने घुटना टेके हुए नतमस्तक हैं, हे प्रभु इनकी मन्नतों को पूरा करने की कृपा कर, इनकी प्रार्थनाएं सुन ले और कबूल कर। तेरा स्वर्ग द्वार खुल जाए और इनके परिवारों को आशीष प्रदान करें। दूर दराज से जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, हे प्रभु यीशु, इन्हें अपने पवित्र वचन के द्वारा अपने पवित्र सामर्थी लहू से सामर्थ प्रदान कर।
मैं तेरा अयोग्य दास ये प्रभु यीशु मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ तेरे इन दासों के साथ, हमारी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना। तूने कहा जिस पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, जिसके पाप क्षमा करोगे क्षमा हो जाएंगे, जिसका पृथ्वी पर निषेध करोगे स्वर्ग में भी निषेध रहेगा। हे प्रभु यीशु तेरे इन बेटे और बेटियों पर दया करने की कृपा कर। हम तेरे दास इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए तुझसे दया की भीख मांगते हैं। जितने भी लोग आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु अपनी रूह का ताजा मसा इन्हें प्रदान कर। तेरी कुदरत है, जलाल तेरा है, महिमा तेरी है, सम्मान तेरा है, आदर तेरा है, और सारा महिमा और आदर हम तुझे देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु दूतों और संतों की मध्यस्था से, मां मरियम की मध्यस्था से हम तुझसे दया की याचना करते हैं। आज की रात्रि तेरे इन भक्तों पर दया करने की कृपा कर, हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। विश्वास के साथ सदा सर्वदा सिरों को झुकाएं। प्रभु के महान सामर्थ्य चिन्ह और चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार जोरदार जोर से पूरे सामर्थ्य के साथ। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे बीच में उपस्थित होकर आप में से हर एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को स्पर्श किया और अपने अभिषेक से भर दिया, और हम लोग उसके रंग में अब रंग लिए गए हैं। उसने अपना मसा हमें प्रदान किया है और अपना जहन उसने हमें दिया है। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, उसने जीने का जो रंग और ढंग हमें दिया है और पवित्र आत्मा को हमें दिया है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम गीत गाएंगे, रंग लिया रंग लिया रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ताली बजाकर जोर से रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। अपना मसा दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया।
रंग रंग रूहे माँ की असंग संग दिया जीने का रंग रूहे माँ की असंग संग जो पान बना वो एक अजब खुशी एक अनोखा मजा दिलो जान बना वो संगलिया होए संगलिया संगलिया होए संगलिया यीशु दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया रंगलिया होए रंगलिया रंगलिया चाहे छाम हो या धूप यीशु है खुदा वो देता है पल उसमें नहीं चल यीशु है वफा ओ हो हो नागलिया होए नागलिया नागलिया होए मांगलिया यीशु ने दिया अपना बच्चा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप और भरना नफा अब जीना मसीह और भरना नफा जपता हूँ यही यीशु के बिना जीना क्या जीना कहता हूँ यही रंगलिया 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 मसीह के नाम की जय बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय